2000 रुपए दीजिए और कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लीजिए। जी हां, एयरपोर्ट की अथॉरिटी की शिकायत पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पटना में कोरोना की आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें एक बड़े गिरोह का खुलासा किया गया है। पटना एयरपोर्ट से दूसरे राज्यों में जाने वाले यात्रियों को 2000 रुपए में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देने वाले इस गिरोह का कारनामा आपको हैरान कर देगा। फिलहाल इस गिरोह से जुड़े हुए 4 लोगों को गिरफ्तार करके पूरे रैकेट को खंगालने की कोशिश की जा रही है। बुधवार को पटना के जिला प्रशासन की टीम ने राजा बाजार के एक मेडिकल शॉप पर छापेमारी की, जहां के लैब मालिक समेत 4 लोगों पर FIR किया गया। दरअसल कुछ दिनों पहले ही पटना एयरपोर्ट ने फर्जी कोरोना जांच रिपोर्ट के सहारे हवाई यात्रा कर रहे यात्रियों की शिकायत जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह से की थी। एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना था कि हवाई यात्रा के दौरान लोग फर्जी रिपोर्ट लेकर साथ आ रहे हैं। पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए जिला अधिकारी ने पटना एयरपोर्ट पर फर्जी आरटीपीसीआर प्रशिक्षण रिपोर्ट को लेकर एक जांच टीम का गठन किया। जांच टीम ने विभिन्न सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बताया कि इस तरह का फर्जीवाड़ा पटना एयरपोर्ट पर किया जा रहा है, जिसके बाद इस पूरे गिरोह का खुलासा हुआ है। बहरहाल इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, कल मुझे सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से खबर आया था कि एयरपोर्ट डायरेक्टर के द्वारा जिला पदाधिकारी को खबर दिया गया कि आरटीपीसीआर के नकली रिपोर्ट दिया जा रहा है। एक डायग्नोस्टिक है प्लाज्मा डायग्नोस्टिक द्वारा, जो 83 नंबर पिलर के ऑपोजिट में है। आप उनके द्वारा मुझे ये भी कहा गया कि एक टीम भेजना है। तब हमने मेडिकल टीम, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम भेजा गया वहाँ पर। वहाँ पर उन लोगों को के द्वारा बताया गया कि कुछ पैथोलॉजिकल लैब्स का, अलग अलग लैब्स का उनके पास उसके यहाँ पर रसीद मिला, और उसके यहाँ कोई लैब टाइप का कुछ नहीं था। संग्रहण भी करने का कुछ भी व्यवस्था वहाँ नहीं थी। वो चश्मा के दुकान का ही कोई पार्ट था। तो वहाँ जा कर के उन लोगों ने जब ये चीज़ को देखा, तो उसके बाद मुझसे बात हुई, तो मैंने कहा कि FIR लॉन्च कर दीजिए। तो FIR किया गया उसके अगेंस्ट में। बाकी प्रक्रिया जिला पदाधिकारी के जो न्यायाचार पदाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट गए थे, उन लोगों के द्वारा और कार्रवाई की गई होगी, इसकी सूचना हमें मिली। कहा कि हमने तो FIR किया है, अब आगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड में नहीं है, इसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, अभी तो कल ये पता ही चला है, उन्हें भी इस घेरा में लिया जाएगा कि कैसे उनका वहाँ पर पहुँचा, इसकी भी जांच की जाएगी। क्या